जैसे कि आपके साथ मैंने पहले शेयर किया था, मेरा हॉस्पिटल बैग जिसके अंदर मैंने सिर्फ मेरी चीजें रखी थी वो तैयार हो गया है। अब हम पैक करने वाले हैं बेबी के लिए, बेबी का सामान सारा आज की वीडियो में वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह प्रेग्नेंट हो, नवा महीना चल रहा है, मेरा बहुत सारा सामान है, प्लीज मेरी हेल्प करो कि मैं क्या रखूं क्या ना रखूं। मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ रख लूं। 3 दिन के लिए हॉस्पिटल जा रही हूं मैं, 3 दिन की बुकिंग होगी। 3 दिन के हिसाब से शायद मैं सामान ज्यादा लेके जाऊं क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर बन रही हूं, मेरे को कोई आइडिया ये क्या रखना है। फिर भी जो चेकलिस्ट होती है उसको मैंने देखा और उसके हिसाब से चीजें रखी है। अगर मैं कुछ चीज भूल रही हूँ तो मुझे याद दिला दो ताकि मैं अभी पैक कर लूँ, और अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैक कर लिया है वो भी बता दो ताकि मेरा सामान थोड़ा कम हो जाए। सो गाइज, आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, करते हैं बेबी का हॉस्पिटल बैग रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल जर्नी देखनी है तो मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से व्लॉगिंग करते हैं हम और बेबी और मदर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, आप जरूर देखिएगा। एंड बी नेचुरल को भी सब्सक्राइब करना इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है, फॉलो मी देयर आल्सो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सब मैंने मोस्टली अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है। कुछ चीजें मैंने मदर केयर से ली है, मदर केयर में सब कुछ बहुत महंगा था, बहुत महंगा था, 3-4 हज़ार के कपड़े इतने छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के लिए। अगर डिस्काउंट पे मिलते तो सही था, क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, डिजाइन पैटर्न सब अच्छा है, बट बहुत ज्यादा महंगा था। तो मैंने अमेज़न से मंगाया भाई, 100-100 रुपए में बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, तो मैं शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी लिंक्स दे दूं मैं, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी हर प्रोडक्ट का, तो आप नाम सर्च कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बेबी के लिए बेबी डायपर बैग आप बोल सकते हैं वो मंगाया। फोटो में साइज बड़ा लग रहा था बट एक्चुअल में साइज देख लो बस इतना ही है, मेरा हाथ देख लो बस इतना ही साइज है, तो काफी छोटा है हॉस्पिटल बैग के लिए, तो ये सही नहीं रहेगा। लेकिन अभी आ गया तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं मॉल वगैरह या डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, बाहर आउटिंग पे जा रही हूँ, तो इसके अंदर मैं बेबी का डायपर और बेबी से रिलेटेड कुछ चीजें रख सकती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। देखने में बहुत क्यूट है ये, बहुत सुंदर है, आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो एंड बाहर आपको यहाँ पे पॉकेट मिलता है। ये किस लिए है मुझे नहीं पता। यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है ट्रांसपेरेंट, यहाँ आप फोटो में था कि मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे चार्जर सा कुछ बना हुआ है, आई डोंट नो इसमें चार्ज हो कैसे होगा। यहाँ भी एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, अंदर से बैग ऐसा है, अंदर एक और चेन है, यहाँ भी कुछ रख सकते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स अंदर है। ओके, तो ये रहा चार्जर, इसके अंदर आप अपना पावर बैंक रख सकते हो, यहाँ से ये वायर जाएगी और ये बाहर निकलेगी वायर, ये देखो वायर बाहर निकली, एंड देन यहाँ से आप अपना प्लग इन करोगे मोबाइल और मोबाइल अंदर डालोगे तो यहाँ से चार्ज हो जाएगा, बाहर से दिखता भी रहेगा, सही है। एंड देन यहाँ आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है बच्चे के बॉटल्स के लिए, एंड देन यहाँ जिप भी है, यहाँ भी कुछ रख सकते हो पैसे वैसे। तो ऑल ओवर मुझे अच्छा लगा, 10 out of 10, मतलब थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो ये बहुत ही सही बैग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मैं इसको यूज करने वाली हूँ जम करके। अब मैं एक्चुअल में कौन सा हॉस्पिटल बैग लेके जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है मेरी बेबी का हॉस्पिटल बैग, ये काफी बड़ा है और कुछ ज्यादा ही बड़ा है, प्रिंस कैरी कर सकते हैं, मैं कैरी कर सकती हूँ, मतलब मेल फीमेल दोनों ही कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा देखने में लेदर का लग रहा है पर आई थिंक ये लेदर नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसकी, आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो, एज अ बैग पैक भी कैरी कर सकते हो, जो स्ट्रोलर होता है उसके अंदर भी आप इसको हैंग कर सकते हो, मजबूती काफी अच्छी दे रखी है। ये देखो यहाँ पे जिप पे यहाँ आप लैपटॉप डाल सकते हो, और इसके साथ ये फ्री में आया, फ्री में मतलब इसके साथ ही है ये होता है बच्चे का चेंजिंग स्टेशन आप बोल सकते हो, डायपर चेंजिंग स्टेशन, तो ऐसे खोलेंगे इसके ऊपर, कहीं भी अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो बच्चे का डायपर चेंज करना है तो बच्चे को इसके ऊपर लिटाओ, कहीं अगर उसने डायपर चेंज करते हुए सुसु पॉटी कर दिया तो इसके ऊपर वो रहेगा, ट्रांसफर नहीं होगा ठीक है सरफेस पे, और ये हाइजेनिक भी रहेगा, और जब बेबी का चेंज कर लो डायपर तो इसको बंद करके रख दो बैग में, ये काफी अच्छा है। एंड देन यहाँ आप लैपटॉप रख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, इसको ऐसे खोलेंगे, यहाँ भी जिप है और यहाँ बॉटल्स रखने के लिए 2 कंपार्टमेंट है, और इसके अंदर सिल्वर फॉइल टाइप का कुछ है जिससे कि जिस टेम्परेचर में आप बेबी बॉटल्स को रखोगे उसी टेम्परेचर में ये मेंटेन होकर के रहता है। यहाँ भी आप बाहर बॉटल रख सकते हो अपनी या बेबी की, दोनों साइड रख सकते हो, एंड अंदर से ये कुछ ऐसा सा है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है अंदर, बहुत सही लगा मुझे बैग, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर मैं सारा सामान रखने वाली हूँ बेबी का। बेबी के लिए ये ब्लैंकेट प्रिंट्स लेके आए हैं, ये उन्होंने होम सेंटर से लिया है। तो ये इस साइज का है, काफी सॉफ्ट है, तो ये पहला चीज होगा बेबी का ब्लैंकेट। नेक्स्ट मैंने ये बेबी का बेड कम बेबी का कैरियर क्या बोलेंगे इसको, दिखाती हूँ आपको क्या है ये, इस तरीके की पैकेजिंग में है। सो ये
इस तरीके से होता है, ये ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे पूरा भी खुल जाएगा, कलर बहुत अच्छा है। अब इसको क्या करने का है, बंद करने का, बेबी को इसके अंदर सुलाने का, देन बंद करने का। बन गया, इसके अंदर आराम से बेबी फिट हो जाएगा और उसको ठंड नहीं लगेगी। न्यू बॉर्न बेबी को ठंड लगती है बाहर, ऑल्दो गर्मियों के मौसम में मेरा बेबी होगा तो इसके अंदर बेबी आएगा। मस्त है नहीं, कितना कंफर्टेबल होगा इसके अंदर, कोजी कोजी सा उसको फील होगा, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट, मैंने बेबी के लिए बहुत सारे कॉटन क्लॉथ मंगाया है, हैंकी मान लो इसको, तो लेट्स सी कैसा है ये। ये सब अनबॉक्सिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, मतलब मुझे नहीं पता कैसा होगा, मैंने बस अमेज़न पे रेटिंग्स देखे, जिसकी रेटिंग ज्यादा अच्छे थे वो चीज मंगा ली। ओ क्यूट है बच्चे की हैंकी, बहुत सारे कलर्स में है इसमें, तो सही है, दूध दूध पिलाने के बाद कुछ वो कर देगा तो कर देगी, हमें नहीं पता, देगा ये देगी तो हम पोछ सकते हैं, बच्चे को साफ रखने के लिए अच्छा है। क्यूट है, सॉफ्ट है, कॉटन के है। कहते हैं कि बच्चा पेट के अंदर जब होता है तो वो एकदम ऐसे रहते हैं ना स्वाडल होकर के, तो वैसे ही न्यूबॉर्न बेबीज को स्वाडल करके ही रखना चाहिए बाहर, उनको अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, उनको लगता है बेबी वो अंदर ही है, तो वो आराम से रहते हैं। तो इस तरीके का कुछ कपड़ा होता है, आई थिंक बैम्बू क्लोथ कहते हैं इसको, स्वाडल के लिए है ये, तो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, बहुत सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है। अभी प्रैक्टिस करनी है मुझे और प्रिंस को कि स्वाडल करते कैसे हैं, कभी किया नहीं है हमने, तो वो प्रैक्टिस करके रखेंगे पहले से, हम ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो ये मंगाया मैंने। कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए सारे कपड़े धो करके रखना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ धो तो दूंगी, लेकिन यार धोने के बाद कपड़ों की चमक चल जाती है। आप कमेंट करके बताओ, धोना पड़ेगा क्या सारे कपड़े? और बेबी के कपड़े का डिटर्जेंट भी अलग होता है, एक अच्छा डिटर्जेंट मुझे रेकमेंड करो। और बेबी के स्किन केयर हेयर के लिए मुझे नहीं पता कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें नहीं करें, तो आप लोग अगर माएं हो, यूज करते हो अपने घर में बेबी के लिए कुछ स्किन केयर हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, तो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा वाला मैं यूज करूं। आप लोग इस बार रिव्यू करके मुझे बताओगे डिटर्जेंट स्किन केयर हेयर केयर की चीजें। नेक्स्ट, ये बेबी का टॉवल लिया है हमने, बहुत ही क्यूट बैर की शेप में है, टेडी बैर दिख रहा है आपको, आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ बच्चे का सर आ जाएगा, यहाँ बच्चे के कान हो जाएंगे, यहाँ पे पूछ हो जाएगी, यहाँ टांगे फिट हो जाएंगी, यहाँ हाथ फिट हो जाएगा। बट ये नहलाने के बाद यूज करते हैं, और वहां तो एक बार ही डॉक्टर नहला के देंगे, तो ये मुझे ले जाना चाहिए या नहीं, ये व्हाइट टॉल मुझे बताओ कमेंट करके, ये रखूं या नहीं रखूं मैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, घर आने के बाद तो काम आएगा लेकिन हॉस्पिटल में काम नहीं आएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट, बहुत जरूरी चीज मंगाई है, मस्टर्ड सीड पिलो। बच्चे को जो पिलो देते हैं वो मस्टर्ड का होना चाहिए ताकि उनका सर का शेप खराब ना हो। तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह की पैकेजिंग में आता है, लाइक दिस, इसके अंदर मस्टर्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, घर पे भी बना सकते हो आप इसको, घर पे बना लो या रेडीमेड चाहिए तो अमेज़न से मंगा सकते हो। सही है, ये लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं बताओ मुझे, पता नहीं कितने दिन रखेंगे वो हॉस्पिटल में, तो फिर बच्चे को तकिया तो चाहिए ही होगा ना, इसका कवर निकल जाएगा और ये धुल भी जाएगा। हाँ, अच्छा लगा मुझे कलर। मैंने ना अमेज़न पे बॉटल्स के रिव्यूज देख रही थी, तो इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, तो मैंने ये वाली बॉटल मंगाई है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिव्यू दे रखा है। ये बच्चे की दूध की बॉटल है, वैसे तो मैं अपना ही दूध पिलाऊंगी, बट ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जब बॉटल से दूध देना पड़ेगा, क्योंकि होता है कभी कभी फॉर्मुला मिल्क देना पड़ता है बच्चों को, माँ का दूध नहीं बन पाता जल्दी, तो फॉर्मुला मिल्क के लिए ये मैं यूज कर सकती हूँ। काफी अच्छा है, सॉफ्ट है, अच्छे स्टेरलाइज करके लेके जाऊंगी मैं इसको। ये ऐसे और भी बॉटल्स मैंने मंगाए हैं, अगर फॉर्मुला दूध देना हुआ तो कौन सा वाला फॉर्मुला दूध लेके जाऊं, आपको कोई आइडिया है? वैसे मैं डॉक्टर से पूछ लूंगी, पहले से प्रिपेयर हूं तो बेटर है, तो उसका बता दो आप मुझे, हर चीज में आप ही बता दो मुझे इस बार, अब पहली बार मैं बन रही हूं, आपको एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो ना, मैं भी तो शेयर करती आई हूं अब तक के सारे एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता कौन सा डायपर सबसे अच्छा है, बेस्ट है, आई डोंट नो। इसको बहुत सारे लोगों ने परचेज कर रखा था, रेटिंग्स बहुत अच्छी थी, आई थिंक 200,000 लोगों ने ले रखा था, मुझे लगा शायद ये अच्छा होगा, तो मैंने ये वाला मंगाया है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। अब ये अच्छा है या नहीं है आई डोंट नो, बेबी ही बताएगा। आप बताओ अगर आपने यूज किया है तो ये वाला कैसा है, ठीक है? तो ये पूरा पैकेट तो नहीं ले जाऊंगी, कुछ डायपर निकाल करके लेकर के जाऊंगी, फिलहाल ये स्टार्ट किया है ना, अलग अलग ब्रांड्स यूज करूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। देन मैंने यहाँ पे ड्राई शीट भी रख लिया है, सो ड्राई शीट मतलब बच्चा अगर इसके ऊपर सुसु कर दे तो नीचे जो मैट्रेस या बेडशीट है वो खराब नहीं होगी, इसके ऊपर बच्चे को ले सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ड्राई शीट। तो ये मैंने रख लिया है, काफी बड़ा है, आई थिंक मैं इसको कट कर दूंगी, बहुत लंबा है, या बेड के ऊपर भी डाल सकते हैं, कट नहीं करूंगी। मैंने सुना है कि बेबी के लिए कार सीट बहुत सेफ होता है, ये बहुत जरूरी है, और फॉरेन कंट्री में तो कार सीट के बिना बेबी को हॉस्पिटल से आपको घर भी नहीं लाने दिया जाता है। अगर आपके पास कार ना भी हो तो भी कार सीट वहाँ बहुत जरूरी होती है, वहाँ बहुत इस चीज का स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाता है। इंडिया में मुझे नहीं पता कितने लोग कार सीट यूज करते होंगे नहीं करते होंगे, बट हमने ले लिया,
ये कार सीट लिया है और मुझे नहीं पता बेबी को इसके अंदर कैसे फिट करना है और इसको कार के अंदर कैसे फिट करना है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ये सेफ रहता है दैट इज फॉर श्योर। हमें लगता है कि बेबी को गोदी में लेके रखें, लेकिन नहीं, कार सीट इज वेरी सेफ। और इसको एज अ रॉकर भी यूज कर सकते हैं, बट इसको घर पे यूज मत करना, इसको सिर्फ कार के अंदर ही यूज करना, ज्यादा देर तक इसके अंदर रखना नहीं चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था। वैसे मैंने 4-5 लंगोट भी रख लिया है, वैसे ये रेडीमेड लंगोट है, बट इसका फैब्रिक मुझे उतना सॉफ्ट लग नहीं रहा है, तो शायद मैं कुछ घर में डीआईवाई करके बनाऊं, या फिर आपको कुछ ऑनलाइन पता है अच्छे लंगोट का तो आप मुझे बता देना कौन सा लंगोट मैं ट्राई करूं। ऑल्दो फर्स्ट टाइम तो मैं डायपर ही पहनाऊंगी, बट धीरे धीरे लंगोट भी यूज करना हुआ तो फिर इसके लिए कोई रिकमेंडेशन बता दो, ठीक है? फिर लंगोट ले जाऊंगी या नहीं ले जाऊंगी भी बताओ, क्योंकि डायपर पहनाऊंगी, मे बी अगर डायपर उसको सूट नहीं किया तो लंगोट पहना देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिब भी मंगाए हैं, इनमें से 2-3 लेके जाऊंगी, सारे नहीं लेके जाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स में है, ये देखो पिंक ब्लू बहुत सारे कलर्स में। तो ये बच्चे को दूध पिलाते टाइम होता है ना, वो दूध गिरा देते हैं ड्रेस में लगा देते हैं, तो यहाँ पे बटन दे रखा है तो ऐसे ही उनको लगा देंगे, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, थोड़ा वेलवेट टाइप का, तो ये मैंने मंगाया है। एंड बच्चों के कपड़े की बात करें तो मैंने इतने सारे कपड़े ले लिए हैं, सारी लेके नहीं जाऊंगी, 2 दिन ही बच्चा रहेगा वहां पे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं कौन सा लेके जाऊँ, मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं, मैं दुनिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूज माँ हूँ, पता ही नहीं क्या लेके जाना है, क्या रखना है नहीं रखना, सभी अच्छे लग रहे हैं। तो हेल्प करो, मैं कुछ दिखा देती हूँ, आप नंबर 1-2 करके मुझे बता देना या कलर वाइज बता देना कि कौन सा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला दिखाती हूँ, मैंने अमेजोन से मंगाया था, मैंने ये इस पैकेट में आया था और इसके अंदर सब कुछ है, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, आप क्या सोचते हो वो बताना, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इसके अंदर टोपी भी मिल जाएगी, सेम मैचिंग बिब मिल जाएगा और कलर सही है क्योंकि मुझे पता नहीं लड़का होगा लड़की होगा, और पिंक और ब्लू के जाल में फंसना नहीं चाहती मैं, तो ये एक पैंट मिल जाएगी, एंड देन दूसरी ये पैंट मिल जाएगी जिसके अंदर सॉक्स भी इंक्लूडेड होगा, ये अच्छा है। एंड देन ये अपर बच्चे का है, मैं वैसा ढूंढ रही थी जिसमें ऐसे साइड से हो, ऐसे धागा बांधने वाला हो, मुझे ऑनलाइन अमेजोन पे नहीं मिला, वो ज्यादा सही रहता ऐसा मैंने सुना है, नहीं मिला मुझे, ये मुझे अच्छा लग रहा है, बेस्ट ऑप्शन। ये देखो बच्चों के कपड़े बहुत क्यूट होते हैं। अच्छा बताओ मैं ये पजामास वगैरह लेके जाऊं क्या, जरूरत है? I don't think that. ऐसे बहुत सारे पजामा मैंने मंगाया है बच्चे के लिए, शायद ये बड़ा भी होगा न्यू बॉर्न के हिसाब से। तो मैं कुछ रॉम्पर्स दिखाती हूँ जो फुल है और कुछ हाफ है वो भी दिखाती हूँ। तो एक ये सेकंड, बताना कौन सा अच्छा है, सेकंड, दिस इज थर्ड, नाउ दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, नंबर बता देना कौन सा अच्छा लगा आपको, क्यूट पिंक, सिक्स, पिंक और ब्लू थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ मैं, बहुत क्यूट है, 7, आई थिंक पहले बच्चे को हम एक छोटा पहनाएंगे फिर उसके ऊपर बड़ा सा रॉम्पर भी तो पहनाएंगे, तो 2 बताना आप, ठीक है, जो छोटा एक और एक फुल पैंट वाला, 7th आई थिंक, काउंट भूल गई मैं, इतनी कंफ्यूज माउं, 8th 9th 10th, बहुत क्यूट है ना गाइस, आप लोग खुद ही गिन लो अब। दिखा दिए सारे कपड़े, बताओ कौन सा वाला, जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वही ड्रेस में पैक करूंगी आपके हिसाब से, बता देना। मैंने स्पून भी मंगाया इनकेस मुझे कटोरी में मिला करके बच्चे को कुछ मिल्क या दवाई कुछ पिलाना पड़ा तो वो मैं पिला सकती हूँ। नाउ यहाँ पे है रेडीमेड स्वाडल का कुछ है, इसमें आपको कुछ बांधने की जरूरत नहीं है, इसमें ना वेलक्रो दे रखा है, बच्चे को इसके अंदर बिठाओ और वेलक्रो से चिपका दो, ये वेलक्रो दे रखा है, बच्चे का हेड आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन बच्चे के पैर, अभी आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब बच्चे को पहनाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रेडीमेड वाला भी मंगा लिया कि इनकेस स्वाडल करना नहीं आया उससे, तो इससे कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अपने हिसाब से जितना समझ में आता है उतनी चीजें मैं बैग में पैक कर लेती हूँ, और तब तक आप मुझे कॉमेंट बनाना कि कपड़े कौन सा ले जाऊं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी बताओ। फटाफट इसके अंदर बाकी का सामान भर लेती हूँ, मैंने सोचा आपको खोल के भी दिखा दूं, ये पैंपर्स मैं तो फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, कितने छोटे हैं, हल्की सी फ्रेग्रेंस है, बहुत छोटे हैं, बहुत क्यूट हैं, ये देखो यहाँ से 2 टांगे जाएंगी, एक यहाँ के ऐसे, वाओ। फिलहाल मैं इतने रख रही हूँ, लगभग 12 हैं, क्या इतना सफिशिएंट होगा फिलहाल बताओ मुझे, हाँ क्यों और रखने की जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो हॉस्पिटल के नीचे ही बेबी का शोरूम है जहाँ पे बेबी से रिलेटेड सारी चीजें मिलती है, तो वहाँ पे मिल जाएंगी मुझे। तो ये डाल दिया मैंने, बॉटल हम ही डाल सकते हैं फिलहाल तो। नेक्स्ट मैंने वेट वाइप लिया है, ये है प्योर वाटर 99%, तो बहुत सारी अच्छी रेटिंग्स इसको मिले थे, यहाँ से आप इसको ओपन करके यहाँ से वेट वाइप यूज कर सकते हो, बेबी के लिए काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल मुझे, अब ये सारी चीजें यूज करने के बाद पता चलेगी कि वाकई में कितने यूजफुल है, बट मदर्स पर्स का सुनने में तो काफी अच्छा लगा, तो ये मैं लेके जा रही हूँ, ये रख लेते हैं कपड़े फिलहाल, यही वाले रख लेते हैं, एक जोड़ी कपड़े बोले थे डॉक्टर ने, हॉस्पिटल वालों ने, एक्चुअली आई थिंक 2 बिब काफी रहेंगे, 2 बिब और थोड़े से लंगोट मैं दूसरा लूंगी, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इन कपड़ों में से और क्या रखूँ आप बताना, ये दिखाना भूल गई मैं, ये क्यूट सा पैकेजिंग में आया है,
कैप मिटन सॉक्स. तो क्यूट है यार, कैमरे में उतना क्यूट दिख नहीं रहा होगा आपको, बट बहुत क्यूट है सच में. तो ये सॉक्स हैं और ये मिटन्स एंड कैप. तो ये मैं रख लेती हूँ, बच गए स्पून जरूरत पड़ी तो. हैंकी स्वाडल के लिए कपड़ा, ये ड्राई शीट बहुत बड़ी है, मैं किसी और चीज में डालूंगी इसमें नहीं. ये कुछ और कपड़े बच्चे के, बट अभी स्पेस नहीं है. अच्छा, बेबी का डायपर क्रीम, रैश क्रीम, क्रीम्स और स्किन केयर की चीजें रखनी है, पर मुझे ब्रांड्स का कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है, तो जस्ट हेल्प मी आउट गाइस, बेस्ट ब्रांड बता दो आप लोग, ठीक है. बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर लिया है. तो ये मेरे प्यारे से बच्चे का बैग तैयार है, उसकी जरूरत की ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, बाकी उसकी मासी और बुआएं खाली बैठ के वीडियो ना देखो, कॉमेंट करके बताओ और क्या डालूं या क्या निकालूं इसमें से, ठीक है. तो मेरा बैग, मेरे बेबी का बैग दोनों का तैयार है, अब बस इंतजार है बेबी का बाहर आने का, ठीक है. तो वो भी बहुत जल्द आएगा या आएगी, वो तो देखने की बात है, बाकी आप गेस करके बताओ बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होने वाला है, ठीक है. देखते हैं किसका तुक्का फिट होता है. इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू बी नेचुरल, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की व्लॉगिंग के लिए डू सब्सक्राइब टू माय व्लॉग चैनल, दैट इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस.